हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लीतू और आज हम लोग जा रहे हैं भैनामोड़ा की स्कूल प्रवेश उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। वीडियो बना रही हूं यार। आज का प्रवेश उत्सव हम लोग भैनामोड़ा विकासखंड गौरेला में जा रहे हैं और देखिए कहां पर पहाड़ों पर बसा हुआ है ये भैनामोड़ा। हमारी पूरी डाइट की टीम है, साथ में प्रिंसिपल सर हैं, पेंद्रो मैम है और छात्राध्यापक भी हैं। जंगलों के बीच पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ ये गांव प्रधान पाठक साबरा निशा के स्कूल में हम लोग जा रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। अच्छा लगा तो जंगल झाड़ी में ही तो मजा है। और फाइनली हम लोग भैनामोड़ा के स्कूल पहुंच चुके हैं। ये स्कूल काफ़ी छोटा है बट यार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आने के बाद। यहाँ पे छोटा सा झूला और हमारे पूरे छात्र अध्यापक हैं जैसे कि आप देख सकते हो। छोटा सा स्कूल भरी तो और ये रहे हमारे टीचर और ये हम रहे हम और हम फाइनली अंदर जा रहे हैं। हमारी पवार मैम और सारे स्टूडेंट, हमारे टीचर्स और हम लोग यहाँ पे अपनी डाइट का बैनर लगा रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट आ चुके थे और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें रखी हुई थी जो बच्चों को सिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। हर एक छोटी छोटी चीज़ से, हर एक वेस्ट चीज़ से बेस्ट चीज़ बनाने की कोशिश की गई थी और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा। दरवाजे पर भी क ख ग घ अंग जैसे सब सीखने के जितने भी चीज़ हैं उन सबको चिपकाया गया है और हर एक वेस्ट चीज़ से बेस्ट चीज़ बनाया गया है जिससे बच्चों को सिखाया जा सके। और वाकई बहुत अच्छा है, यहाँ आते ही हम तो इम्प्रेस हो गए। और दीवार के कलर को भी इतना झंडे के कलर पर कलर किया गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस रूम को, इस रूम पे हर एक बेस्ट चीज़ को ना बेस्ट चीज़ बना के रखा गया है और इतना डेकोरेट किया गया है हर एक रूम को। और ये रहे छोटे छोटे बच्चे जो नाश्ता बनाने का काम कर रहे थे यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें बच्चे द्वारा बनाया गया है, मिट्टी से खिलौने वगैरह। और एक सलाह का कार्यक्रम बनाए हमारा जादुई पिटारा, जो मैम थी ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी, मतलब जादुई पिटारा बनाई थी। हर एक चीज़ यार, मतलब उसके बारे में मैं कह नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे स्कूल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फाइनली हम लोगों ने जो प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम करना था हम लोगों ने शुरू किया। सभी को चाय नाश्ता पानी दिया गया और गाँव की कुछ महिलाएँ थीं और बच्चे थे नव प्रवेशित छात्र। और ये रहे हमारे कैमरा मैन रुपेश सर और सब लोगों ने फिर मतलब मिल के प्रिंसिपल सर का वेलकम किया। फिर बच्चों को पुस्तक कॉपी और उनको ड्रेस दिया गया। फिर उनके हाथ का एक छाप जो है एक पर्दे पे लगाया गया जो एक नई परंपरा के रूप में मुझे दिखा। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो नवप्रवेशित बच्चे थे उनके हाथ पे यहाँ पे लगाया गया है। और अब बारी थी हमारे कठपुतली नृत्य की, जिसके लिए हम लोग अपने पुतले को पूरा तैयार किए, फिर बच्चों को टाई बेल्ट दिए। उसके बाद हम लोगों ने अपना कठपुतली का कार्यक्रम जो था हम लोगों ने शुरू किया और हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ के जो कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छे से गया। हम लोग का ये रहा प्रोग्राम जहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को कठपुतली नचा के दिखाया। उन कठपुतलियों के साथ भी हमारे जो बच्चे थे वो भी डांस करने लगे थे। पूरे गांव वाले जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए उनको देख के। और ये बच्चों के लिए एक नया सीख रहा, हम लोग के लिए भी कुछ नया सीख रहा। फिर बाद में ये हमारे छात्राध्यापक फ़ोटो क्लिक करवाने में इतने एक्सपर्ट हैं। और ये देखो चाय नाश्ता पानी के लिए भी बैठ गए हैं ये लोग। फिर हम लोगों मैम के द्वारा बनाया गया हर एक वेस्ट चीज़ से जितने भी करधन और माला वगैरह था हम लोगों ने उसको पहना और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए। और ये मैम के द्वारा बनाए गए कठपुतली थे जो कि मैम ने हमको शो किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैम इतनी क्रिएटिव थी कुछ कैसे, उन्होंने छाते तक को नहीं छोड़ा, छाते में भी अनाराम लिखा ताकि बच्चे सीख सकें। और उन्होंने यहाँ पर चार्ट पेपर पर भी बच्चों के सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी हुई थी। यहाँ पर हर एक चीज़ यार बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ऐसे स्कूल में फर्स्ट बनाया गया है और ये भी एक तरह का वेस्ट चीज़ से बनाया गया है। इसको हम डेकोरेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं घरों में। मैं अहमदाबाद में मेरी बहन है, उससे मैं सामान मंगाती हूँ। अरे अब बाय कर रहे हैं, बाय, अब जा रहे हैं वापस। एंड फाइनली हम लोग का टाइम बीत गया और हम लोग को जाने का वक्त आ गया। और हम लोग को जाना तो नहीं था, जाना नहीं चाहते बट क्या करें, जाना पड़ रहा था। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टाटा बाय बाय सारे बच्चों, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके।
बहुत ज़्यादा। स्कूल से निकलने के बाद हमारी गाड़ी बीच जंगल में हो गई ख़राब, हमारी लाल परी हो गई थी ख़राब, इसलिए हम सारे मगरमच्छ लोगों को यहाँ छोड़ कर हम लोग निकल गए हवा की रफ्तार से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लोगों की सीट पर हम 6 लोग बैठे कैसे जैसे एडजस्ट करके। फिर हम लोग बहुत मौज मस्ती करते हुए आए और ये पीछे हमारी मैम लोग, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जंग रास्ता कैसा है, पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ। और स्कूल तो बहुत ही अच्छा था। फाइनली हम लोग अपनी डाइट में पहुंच गए और यहाँ पे भी हम दोनों का पैर फंस गया था, बहुत मौज मस्ती की हम लोग यहाँ पे भी। तो अब करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।